ये चीज ना स्विफ्ट में मिलेगी ना पंच में मिलेगी। कितने इंप्रेस्ड हो आप इसकी ड्राइव से? पानी का गिलास रख के देखे डैशबोर्ड पे। अच्छा तो ये रीजन है फिर आपका पेट्रोल खरीदने का। लाइट लगा वैसे मारुति से, अगर उसमें डैश कैम होता तो लीगल प्रोसेसेस को आगे करने इजी मिल जाता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी डीआरएल लाइट्स के सहारे मैं 2-4 किलोमीटर चलने की हिम्मत तय रखता हूँ। 2-3 चीजें मिस्ड है, अगर वो होती तो और ज्यादा बेटर फील करवाती है हमें। जब बराबर से ओरा जा रही होती है, आई-10 न्यू जा रही होती है, तो यार अपना इंटीग्रेटर देख के वो फील आता है, सेम चीज। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। देखो मैं चला रहा हूँ अभी फिलहाल एक्सटर। अब एक्सटर जो है वो अभी लॉन्च हुई है लास्ट मंथ ही, 13 तारीख में, जुलाई में, और 11-12 तारीख के आसपास जुलाई में। और आज हमारे पास में इनके प्राउड ओनर अब आलोक जी और कमल जी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप दोनों, ये बताओ? फाइन सर, फाइन, आप सुनाइए। बस हम बहुत बढ़िया हैं। आलोक जी से मैं काफी टाइम से बाद में बात कर रहा था इनको। एक्चुअली ये जिस आउटलेट से इन्होंने गाड़ी खरीदी है, ये वही आउटलेट है जिसमें हमने शूट भी किया था। तो ये मजे की बात ये है कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी रील्स वगैरह में, एंड बेस्ट पार्ट इज ये अब आलोक जी के पास में आ चुकी है। पहली डिलीवरी थी ये दिल्ली नजफगढ़ के एरिया में। तो आलोक जी ये बताओ, इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, आप करते क्या हो मुझे? सर माइसेल्फ आलोक, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करता हूँ एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर। अच्छा। तो मैं डेली वॉकिंग जो मेरी मार्केट में होती हूँ, अप्रोक्सीमेट 200 से 250 किलोमीटर पर डे चलता हूँ। 200 किलोमीटर पर डे, अमेजिंग, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी मुझे ये बताओ, इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले सर मैं स्विफ्ट चला रहा था, अपनी मारुति। अच्छा, स्विफ्ट चला रहे थे? स्विफ्ट चला रहे। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप माइक हल्का सा और ऊपर कर लो। श्योर श्योर श्योर। बस अब आप स्विफ्ट चला रहे थे, वो पेट्रोल चला रहे थे, डीजल चला रहे थे? पेट्रोल सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल जब आप 200 किलोमीटर चला रहे हो रोज, रोजाना आपको डेली चलना है 200 किलोमीटर के करीब, तो पेट्रोल क्यों, डीजल क्यों नहीं है? या डीजल भी अगर चलो महंगा पड़ रहा है तो सीएनजी क्यों नहीं, क्योंकि रनिंग बहुत ज्यादा है। राइट राइट राइट। एक्चुअली सर मैंने एक दो बार फ्रेंड की कार को ट्राई किया था सीएनजी में लेने से पहले जी, बट वो मजा नहीं आया जो पेट्रोल के अंदर मजा है। बिल्कुल। मैं पिछले 10 साल से गाड़ियां रखा हूँ, जितनी भी मैंने गाड़ी रखी है सारी पेट्रोल में रखी है, और मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेशन में टोटली पेट्रोल गाड़ी है, नो सिंगल डीजल एंड नो सिंगल सीएनजी। अच्छा, तो क्या ये ज्यादा चलते हो आप? जैसे अगर मैं 200 इंटू मान लो आपके वर्किंग डेज 25 भी समझ लूं, तो 5000 किलोमीटर तो चलेगी पर महीने। डेफिनेटली। तो 5000 के हिसाब से तो तकरीबन ये मतलब 100 के अगर मैं माइलेज भी 20 का मान लूं तो तकरीबन कितना बैठ रहा है? 25 इंटू मतलब 25000 रुपए का तेल आपका पूरे महीने का लग रहा है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो ये क्या मतलब कंपनी रिन्यू इसको पे बैक करती है? तो यही रीजन है, तो ये रीजन है फिर आपका पेट्रोल खरीदने का। तो ठीक है, इससे पहले स्विफ्ट आपने तकरीबन कितने साल चलाई? मैंने स्विफ्ट चलाई वो 7 साल। अच्छा, 7 साल चलाई? 7 साल चलाई, रॉकेट इंजन, रॉकेट पिकअप, रॉकेट माइलेज। अच्छा, एवरीथिंग वेल एंड गुड। क्या माइलेज दे रही थी स्विफ्ट? स्विफ्ट मेरे को 21-22 ऑनरोड दे रही थी। क्या बात कर रहे हो? राइट सर, प्रॉपरली कंपनी से सर्विस होती थी और रिकॉर्ड, प्रॉपरली रिकॉर्ड के साथ। अच्छा, जब भी सर्विस मांग रही है सर्विसिंग के लिए गाड़ी जाती थी। अच्छा, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई स्विफ्ट में। बट लास्ट टाइम पे मेरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, जिसमें वो स्विफ्ट मेरी बिल्कुल 100% डैमेज हो गई। अच्छा, तो ये रीजन रहा आपका? राइट सर। अच्छा मुझे एक बात बता, चलो आपने एक्स्ट्रा खरीद ली, बधाई हो उसके लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और एक्स्ट्रा जब आप खरीद रहे थे तो उस दौरान आपके कौन कौन से और दिमाग में गाड़ियां थी जो एक्स्ट्रा खरीदते टाइम? एक्स्ट्रा लेने से पहले उस टाइम पे मेरे माइंड में जो गाड़ी थी पंच i20, बेसिकली क्या है कि मैं ऐसी गाड़ियां पसंद करता हूं जो रोड पे चिपक के चलती है। अच्छा, रोड ऑफ द किंग। Okay. तो जिसमें स्विफ्ट एक वन ऑफ द कार है, एंड सेकंड मेरे माइंड में थी पंच जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी i20। बट मेरे नॉन में एक फ्रेंड है जो कि इसके अंदर एज ए एम्प्लॉय है नहीं जी, मैं जी. मैंने उनसे कंसर्न किया, कोटेशन ली, तो कहते हैं यार आप कुछ दिन रुक जाओ, इसी बजट के अंदर मिनी एक्सयूवी विद फुली लोडेड फीचर्स के साथ कार आ रही है। तो अच्छा। उनके कहने में मैंने थोड़ा सा वेट किया, जब उन्होंने मेरे को ब्राउजर दिया, मैंने सेम कलर ब्राउजर के अंदर देखा, तब मैंने डिसीजन लिया आई विल डू इट। अच्छा, ये बुक कर दोगे? या तो मैंने अप्रोक्सीमेट 4 महीने पहले एडवांस बुकिंग कर दी थी इस गाड़ी की। एक्सर की? अच्छा, अमेजिंग। तो मतलब एक बार भी टाटा पंच की तरफ देखा भी नहीं जाके कि यार एक बार रिसर्च ही कर लूं मैं? नो टाटा पंच, नो i20। टाटा ने गाड़ी निकाली अच्छी, ठीक है, पर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, गाड़ी पिकअप नहीं उठाएगी। एक्चुअली क्या वर्जन है उसका, उसका रीजन क्या है, इंजन दे दिया हल्का, बॉडी हो गई हैवी, सेफ्टी पर पे ध्यान दे दिया, माइलेज। नेक्स्ट वन का भी मैं यही बोलूँगा क्योंकि चलते रहते हैं। एक्चुअली क्या ट्रांसपोर्ट के काम है, बिल्कुल यही चलता रहता है जी।
तो आप इतनी इतनी रनिंग आपकी है आलोक जी की, तो आलोक जी जैसे भाई बता रहे हैं कमल भाई की सेफ्टी के ऊपर तो ध्यान दे दिया लेकिन माइलेज के ऊपर नहीं दिया, अब लेकिन माइलेज इसमें है लेकिन सेफ्टी नहीं है, लेकिन आपकी रनिंग ज्यादा है तो वो एक्सीडेंट के चांसेस भी तो बढ़ रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही है, प्रोबेबिलिटी बढ़ तो फिर कैसे इसके साथ में कैसे आपका एक्चुअली मैं इसकी तरफ मन इसलिए बना, एक तो मिनी एक्सयूवी लुक, जब मैंने इसका कैटलॉग देखा उसके अंदर फीचर्स पड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी 6 बेसिक स्टैंडर्ड एयरबैग्स, तो इन चीज़ों के लिए लेके मैं इन फ्यूचर जो मेरे साथ लास्ट टाइम हो चुका है स्विफ्ट में लेके उसमें एयरबैग्स नहीं थे जैसे मैं इस गाड़ी की तरफ गया हूँ क्योंकि मुझे बेसिक स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिल गए, डैश कैम, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जो आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है, बिल्कुल बिल्कुल वो फिर माहौल को देख के हम लोग चलाते हैं उस चीज़ को। तो इसमें स्विफ्ट जितनी स्पेस आ रही है अभी सर मैं एक बार कहना चाहूँ स्विफ्ट से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस। अच्छा, यस सर, मेन से अगर हम लोग स्विफ्ट में बैक साइड में तीन बंदे बैठते हैं हम जैसे तीन तो थोड़ा कंजेस्टेड फील करते हैं, बट आप हम तीन बंदे इसके अंदर बैठ के आप लाइव देख सकते हो, बिल्कुल कोई कंजेशन नहीं है। अच्छा एक चीज ना मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको पता नहीं होगा पता, चलो अंदर बैठते हैं। डेफिनेटली आओ मेरे साथ। तो गाइस ये आ चुके हैं आलोक जी और यहाँ पर मैं भी आ गया हूँ पीछे। अब ये देखना ये चीज ना स्विफ्ट में मिलेगी ना पंच में मिलेगी ना i20 में मिलेगी ना बलिनो में, किसी में नहीं मिलेगी। ये देखो हेडरूम, ये भाई साहब मतलब ये मतलब एक फुट से भी ऊपर जा रहा है मेरे जैसी हाइट के लिए। आपकी हाइट कितनी आलोक जी? 5'4" 5'4" है आपकी? आपकी मतलब तकरीबन 1.5 फीट 2 फीट के करीब स्पेस यहाँ पे बच रही है। अगर मैं छोटा सा बच्चा का यहाँ पे बिठा के एडजस्ट करना चाहूँ ना तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और चलो मैं कमल भाई को भी बुला लेता हूँ अंदर, आओ जी सर। और यहाँ पर देखते हैं कितनी स्पेस अभी फिलहाल बच रही है। तो मैं जज कर लेता हूँ क्योंकि मैं बीच में बैठा हूँ, तो यहाँ पैर तो मेरे दोनों जो है वो ढंग से नहीं आ पा रहे और शोल्डर हल्के हल्के रब कर रहे हैं। देखो अब ये 4 लोगों के लिए पास है, ठीक है, ड्राइवर प्लस 3 जने और बैठ सकते हैं और उसके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये सीट्स। इन सीट्स पे मैं तकरीबन 200-250 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है जो टाटा पंच में भी नहीं आती, स्विफ्ट के अंदर नहीं आती है, बहुत सारी तमाम गाड़ियों के अंदर नहीं आती, वो है इसका एसी, जो रियर का एसी वेंट दिए हुए हैं, मतलब ऑल अक्रॉस कॉम्पिटिशन दिए ही नहीं हुए। तो एसी की परफॉर्मेंस मुझे बताओ कि स्विफ्ट के कंपैरिजन कैसी है? स्विफ्ट के कंपैरिजन इसका एसी परफॉर्मेंस द बेस्ट है। अच्छा, हम लोग खड़ी गाड़ी में अगर एक पॉइंट पे एसी चलाते हैं कैबिन कूल कर देते हैं। अच्छा राइट, तो अभी जैसे मेरे ख्याल में अब तो हालांकि गर्मियां धीरे धीरे जा रही है राइट, लेकिन 35 के करीब तो टेम्परेचर अभी भी है राइट, तो 35 डिग्री में कैसा परफॉर्म कर रहा है? सर 35 डिग्री में आप देखेंगे कि मैंने टेम्परेचर जो गाड़ी का है 24 पे किया हुआ है और पीछे तो हवा आ रही है बेफिक्र और मस्त। अब एक काम करते हैं आलोक जी के साथ में मुझे एक ड्राइव करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। आलोक जी आप मुझे बताते रहना इसके इम्प्रेशन क्योंकि जनरली आप चलाते हो और कमल भाई भी चलाते हैं इस तरफ, तो इन दोनों के रिव्यूज जो हम लेते रहेंगे। तो आलोक जी को बिठाते हैं इधर, कमल भाई को बिठाते हैं इधर और हम बैठते हैं आगे और हम चलाते हैं गाड़ी आज। हाँ जी दोस्तों, तो हम चला रहे हैं अब एक्सएल 1.2, अभी एक इंजन में आती है। अगर आप इसका AMT लेते हो ना तो उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में पेडल शिफ्टर्स आते हैं यहाँ पे, तो चलो ये पेडल शिफ्टर वगैरह छोड़ो क्योंकि ये तो मैनुअल वेरिएंट है जो हम चला रहे हैं। अब मुझे ये बताओ आलोक जी कि कितने इंप्रेस्ड हो आप इसकी ड्राइव से, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी लगी? सर मैं अकॉर्डिंग बात करूँ मारुति के, मैं इसको उसकी जो इंजन परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी लगी। साइलेंट इंजन है गाड़ी के अंदर, हम लोग बैठे हैं तो बाहर का कोई नॉइस नहीं है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल, मैंने ये भी जैसे देखा है पानी का गिलास रख के देखा है डैशबोर्ड पे। अच्छा, कि पानी का गिलास हिलता है गिरता है? ये तो आपने यूट्यूबरों वाली बातें कर दी जैसे हम। नहीं नहीं, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैंने भी कहीं देखा था कि ये साइलेंट इंजन है, इंजन साइलेंट है बट अंदर वाइब्रेशन कितनी है गाड़ी के, तो वाइब्रेशन चेक करने के लिए मैंने वो पानी का गिलास रख के देखा था। अच्छा, जो कि मींस स्टेबल है। अच्छा, मिसबैलेंस नहीं हुआ, पानी नहीं फैला। उसके अलावा इसमें अंदर जो स्पेस है, स्पेसेस के अलावा एसी वर्किंग चलती गाड़ी में और यूनिक है। इस टाइम पे हम लोग 4 बंदे बैठे हैं और 24-23 पे भी एसी चलाएंगे, टेम्परेचर परफेक्ट काम कर रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि अभी तक तो आप ह्युंडई के जो है वो कस्टमर रहे नहीं हो, अभी तक मारुति की सर्विस फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूं, बाय कर रहे हो, अब तक तो मारुति की ही चलाई है आपने? यस सर। मारुति के सर्विस रिकॉर्ड से और मारुति की सर्विस सेटिस्फेक्शन कैसी है, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसी है वो बताओ मुझे। मारुति की भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करो तो वही वैलेंट गुड है, पूरा ध्यान रखते हैं, टाइमली वो रिमाइंड कॉल्स भी आती है उनकी प्रॉपरली, बट इस टाइम कुछ हटके जाने का मन था तो इस बार मैं हुंडई ट्राई किया कि एक बार हुंडई की सर्विस लेके देखते हैं जी, तो इनकी भी ट्रैक्स देखते हैं कि कैसे सर्विस ट्रैक्स हैं। बिल्कुल, कभी लोग टाइमली सर्विस को लेके बात करेंगे कि भाई सर्विस
में क्या क्या आपका होना है। बिल्कुल, तो इस बार हुंडई की तरफ जाने का मन किया हमारा। अच्छा, मतलब कोई और ये रीजन नहीं था, केवल ये था कि चलो इस बार ट्राई कर लेते हैं, कुछ हटके ट्राई कर लेते हैं। हाँ, कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। नहीं नहीं, सही है, ये वैसे भी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, क्योंकि है तो ये बेसिकली ग्रैंड आइटन नियोस ही। ग्रैंड आइटन नियोस के ऊपर बस ढांचा बाहर का जो है वो चेंज किया है, बाकी प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा लग्जरी एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देते हैं। हाँ, ये तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, तो बिल्कुल एक मिनी एक्सयूवी फील होता है। हाँ, नो डाउट। हाँ, जो नजफगढ़ साइड एरिया है उनमें, वहाँ पर जो सड़कें हैं वो आप देखो कंजेस्टेड नहीं है। हाँ, कंजेस्टेड भी नहीं है, और आपको समतल भी मिलेंगी, स्ट्रेट भी मिलेंगी नजफगढ़ साइड, और आपको उबड़ खाबड़ भी मिलेंगी कहीं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक उबड़ खाबड़ पे तो चला ली होगी। तो एज अ मिनी एसयूवी Hyundai ने कैसे प्लांट किए हैं इसके सस्पेंशन, उबड़ खाबड़ सड़कों पे जो हम बात करते हैं एज ए मिनी एसयूवी, जो सस्पेंशन बजने की आवाज आती है ना गड्ढों में जी, वो नहीं है इसके अंदर। अच्छा। मैं खुद मींस दो बंदों तीन बंदों के साथ लाइव टेस्ट कर चुका हूँ जी, जो गड्ढों में आवाज आती है सस्पेंशन की सेंसर्स की, वो इसके अंदर नहीं आई है। मेरे को नहीं फील हुआ है कि भाई ये गड्ढों छोटे मोटे गड्ढे लायक है या नहीं है। बिल्कुल आराम लिए, रफली स्मूथली निकलती है गाड़ी। और स्टेयरिंग का फीडबैक कैसा लगा? स्टेयरिंग का फीड मैं जवाब नहीं है। अच्छा, लाइट लगा वैसे मारुति से? बहुत ज्यादा एक्चुअली में है। अभी Hyundai हमेशा, आप देखना कोई भी गाड़ी उठा लो, आज से 10 साल पुरानी गाड़ी भी चलाओगे ना आप, तो आपको लगेगा यार ये कुछ ज्यादा ही मतलब सॉफ्ट है, सॉफ्ट कंपैरेटिव, तो ये सिटी में परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। नहीं सर, नहीं। और हाईवे भी इतना वेट है इसके अंदर कि ये बेफिजूल में ओवर स्टीयर नहीं करेगा गाड़ी को कि यार हल्का सा मुड़ दो पूरी गाड़ी मुड़ गई, पूरी गाड़ी, तो ये ऐसा नहीं करेगा। तो ये चीज तो हमेशा से रही है Hyundai के साथ में। अच्छा, इससे पहले जब तक स्टैंडर्ड जो है वो सेफ नहीं दे, जब तक एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड्स नहीं आया करते थे, इससे पहले आपको सेफ्टी को लेके कंसर्न कितना, क्योंकि इससे मेरे ख्याल में जिंदगी में पहला ही आपका एक्सीडेंट हुआ है, और भगवान ना करे कि इसके बाद कभी हो भी। तो मतलब आपकी आपकी जो मेंटेलिटी है सेफ्टी को लेके कितनी बदली है वो सर, ये बताइए। जो मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ है एक्सीडेंट के साथ, उसके साथ मेरी मेंटेलिटी इतनी मतलब चेंज हुई है कि गाड़ी में हम लोग पैसा लगाते हैं बट सेफ्टी फीचर्स ना मिले, हम लोग सेफ ना हो तो उसका फायदा क्या। मैं पहले जैसे दो मिनिमम स्टैंडर्ड बैग्स आ गए हैं और ब्रांड्स में, उस तरफ जाने ही सोचा था। जब मुझे पता लगा कि Hyundai 6 स्टैंडर्ड बैग एयर स्टैंडर्ड लेके आ रही है जी, तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा की तरफ जाने के लिए सोचा कि एक बार मैं यार पैसा लगा रहा हूँ तो कम से कम अपनी सेफ्टी तो देखूँ। एटलीस्ट मेरे साथ मेरे दो बंदे बैठे हुए हैं, इसमें 6 एयर बैग्स हैं, तो वो मेरे अलावा उनको भी सेफ कर गए। बिल्कुल, अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई एक्सीडेंट दोबारा होता है जैसे मेरे साथ, तो आई थिंक सेफ है। तो सेफ्टी फीचर्स को लेके Hyundai ने इस बार काम किया है, नो डाउट। अभी सेकंड फिर ये है कि अभी जैसे कि भारत में हम लोग क्रैश टेस्ट की बात करते हैं, जिस हिसाब से भारत में क्रैश टेस्ट हो रहे हैं उसको लेके भी हम लोग एक बार Hyundai की तरफ गए थे, क्योंकि Hyundai और ज्यादा अवेयर हो जाएगी इस चीजों को लेके, क्योंकि भारत के अंदर क्रैश टेस्ट ज्यादा हो गए स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो ये था कि हमें आउटसोर्स करना पड़ता था, तो आप सही कह रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी पे बहुत फर्क डालेगा। इनफैक्ट Hyundai काफ़ी अग्रेसिव भी है इस टाइम सेफ्टी को लेके, पहले उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, जैसे आपने क्रेटा में देखा या ईओन वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स में देखा, वो स्टार रेटिंग्स कुछ खास आई नहीं है। इस बार 6 एयरबैग्स आ गए हैं तो स्टार रेटिंग्स तो उनकी डेफिनेटली अच्छी जाएगी निश्चित तौर पर। और अब क्योंकि भारत जो है वो अपना ही एनकैप लेके आ गया, तो कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चरर्स का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी बदलता हुआ नजर आएगा। एनीवे, अब ज़रा और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इसके नाइट के विजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे LEDs का इस्तेमाल तो कर लिया है और LED DRLs भी आते हैं इसके अंदर। प्रोजेक्टर लैंप्स कैसे काम कर रहे हैं, मुझे लाइट का इल्यूमिनेशन बताओ। लाइट का नाइट में काफ़ी फोकस्ड है ऑन रोड पे, अगर मैं नाइट ड्राइव में अकेला चलाऊँगा रोड पे तो रोड पे पूरा फोकस पड़ता है, लो बीम हाई बीम, इवन अगर मैं थोड़ा सा चलने की कोशिश करूँ तो अगर प्रोजेक्टर ऑफ करता हूँ तो भी इसकी DRL लाइट्स के सहारे मैं 1-2-4 किलोमीटर चलने की हिम्मत तय रखता हूँ। ट्राई किया मैंने खुद, जैसे मतलब बाय चांस खराब हो जाए लाइट, डेफिनेटली डेफिनेटली आप इसकी DRLs के थ्रू भी आप ड्राइव कर सकते हैं रोड पे। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ना डैश कैमरा आ गया है, तो अब चाहो तो अगर आपने अपने दोस्त को गाड़ी दी तो भी वो आप बता सकते हो कि यार कौन कौन बैठा था गाड़ी में, झूठ मत बोलियो, पता चले मेरे दुश्मन को ही लेके जा रहा है तो इधर से उधर वो तो कहले ही बोल देंगे हम जा रहे हैं, अब पता क्या करना है। तो ये चीज है और रिकॉर्ड कर सकते हो, द बेस्ट पार्ट जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, मूवमेंट्स है, कुछ क्लासिक मूवमेंट्स है, बाहर का व्यू है, हम लोग सोचते हैं सेल्फीज ले, कैमराज में रिकॉर्डिंग करें फोन में, वो हेडेक खत्म। बटन दबाया, बिल्कुल रिकॉर्ड, हम लोग लाइव रिकॉर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। ये तो आप सही कह रहे हो, डैश कैम के बहुत फायदे भी हैं, जैसे कि अगर आपकी पुराने वाली जो स्विफ्ट है
जैसे आप मुझे बता रहे थे जिस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था, अगर उसमें डैश कैम होता तो लीगल प्रोसेसेस को आगे करने में मिल जाता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड सर, मेरे को उसमें ना एक सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने जो 8 इंच का TFT दिया हुआ है, अगर सेफ्टी व्यू से देखा जाए तो ये फीचर भी मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा कि हम लोग नाइट में ड्राइव करते हैं, आईज पे फोकस्ड होती हैं वीडियोस, माइंड हमारा डाइवर्ट होता है, तो वो चीज इसमें नहीं मिलेगी। और मैं फुली इम्प्रेस्ड हूँ Hyundai से इस चीज को लेके, कि ये भी एक पार्ट ऑफ सेफ्टी है। बिल्कुल, कि हम लोग नाइट में चल रहे हैं, वीडियो प्ले कर लेते हैं, आईज में फोकस्ड लगता है या माइंड डाइवर्ट होता है, तो ये वन ऑफ द रीजन है फॉर एक्सीडेंट। तो Hyundai ने इस चीज को भी लेकर काफी अच्छा इनिशिएटिव किया है और फुली इम्प्रेस्ड हूँ मैं। सो हमने लगभग सारे क्वेश्चंस तो पूछ लिए हैं, कैसा क्रॉस कंपटीशन से बेहतर है। अब कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो इसके अंदर नहीं है और जो आपको समझ में नहीं आई, जो चीज़ ठीक है, तो आप उनके बारे में भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आलोक जी से जानते हैं कि ये क्या है ऐसा जो मिसिंग है और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट इसके फेसलिफ्ट में आ जाए। सर, मेरी तरफ से इसके अंदर ना सिर्फ माइनर से 2-3 चीज़ें मिस्ड है, अगर वो होती तो और ज़्यादा बेटर फील करवाती है हमें। जैसे कि हम बीच में बेड लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो एक आर्म रेस्ट मिस करते हैं, आगे और पीछे दोनों ही नहीं है। डेफिनेटली पीछे ना हो तो भी एक बार चल जाएगा, बट आगे जरूरी है। सेकंड, ये जो हमारे ये हेड रेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है, फ्रंट वाले जैसे मेरे वाले। हाँ जी, ये बात तो फैक्ट है, सही कह रहे हो आप। क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा अगर आप जैसे आपकी हाइट का बंदा चला रहा है तो पैनिक फील होने लग जाएगा जल्दी, अगर वो हेड के साथ चला नहीं करेगा। राइट सर, सेकंड, एक इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ओड लगा वो ओड ये लगा कि इसका जो इंटीरियर दिया है सेम इन्होंने i10 ओरा का फील करवाया, नियोस का, i10 नियोस का ओरा का फील करवाया। इसको हम थोड़ा सा और चेंज करके बेटर कर सकते थे, अगर करना चाहते तो। टोटली एग्री, बट वहाँ पे वो फील कहीं ना कहीं जब बराबर से ओरा जा रही होती है, i10 नियोस जा रही होती है, तो यार अपना इंटीरियर देख के वो फील आता है सेम चीज। खैर ये तो है, ये तो मैं टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि यार अब प्रॉब्लम ये है कि है भी एक्चुअली ग्रैंड i10 नियोस, इसको थोड़ा सा बस बढ़ा दिया गया, पीछे स्पेस दे दी गई है और थोड़ा बहुत बूट स्पेस बढ़ा दिया गया, और फीचर रिच, कमाल के फीचर्स, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आलोक जी आप मानोगे नहीं, अगर ये सारे फीचर्स आप किसी और ब्रांड में खरीदने जाते तो मुझे लगता है आपको 14-15 लाख रुपए दे देने पड़ते, शायद ज्यादा ही। तो वो तमाम फीचर जो है वो जरूर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। एंड द बेस्ट पार्ट इज सेफ्टी फीचर जो है वो स्टैंडर्ड है, जैसे 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल और डिसेस, ये कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो एज स्टैंडर्ड दी गई हैं। तो ये तमाम फीचर्स के लिए तो शुक्रिया, और फिलहाल तो मुझे लगता है कि कस्टमर काफी सेटिस्फाइड है Hyundai Exter से, और बाकी तो धीरे धीरे करके 1-2 साल ये जो वेरिएंट में बैठे हैं, ये हमारा कनेक्ट DT टॉप वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन ना। राइट, हाँ करेक्ट करेक्ट। जानेंगे जल्दी कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं, 1 साल के बाद में दोबारा आलोक जी को कॉल करेंगे, उनको परेशान करेंगे इस बार। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और हाँ, कमल भाई भी आएंगे हमारे साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, हैव अ गुड डे गाइज, और सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पर भी और ट्विटर पर भी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लुकिंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइज।